पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कृषि एवं वन पर्यावरण मंत्री, राज्यों के कृषि सचिव और मुख्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य पराली से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटना था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पिछले साल से इस साल तक पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 35%, हरियाणा में 21% की कमी आई है। 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में 51% की कमी आई है, लेकिन अभी भी लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है। राज्यों ने बताया कि वे लगातार निगरानी कर रहे हैं, उनके नोडल अधिकारी तय किए हैं और वे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पिछले साल केंद्र सरकार ने सब्सिडी पर 3 लाख से ज़्यादा मशीनें दी हैं जो पराली प्रबंधन का काम करती हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, मैंने आज की बैठक से पहले 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं। पहला कि आने वाले दिनों में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने की जरूरत है और दूसरा दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों पर नजर रखना जरूरी है। पिछले साल से इस साल तक पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब में 35% कमी आई है, हरियाणा में 21% कमी आई है। 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51% से ज्यादा कमी आई है, लेकिन अभी लगातार ध्यान देने की जरूरत है। राज्यों ने बताया कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके नोडल अफसर तय हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और सरकारें अपने ओर से भी सारे प्रयत्न कर रही है एक जन जागरण का। पराली जलाने से जो नुकसान होते हैं, आग लगने से केवल पराली नहीं है, मगर गन्ने के पत्ते भी जले या बाकी चीज भी जलती है फसल के अलावा, तो उसके कारण धरती मां का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, मित्र कीट भी मारे जाते हैं, धरती कड़ी हो जाती है, उर्वरकता कम होती जाती है। तो एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभी अभियान चल रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे चलाएं मिलके केंद्र और राज्य, उसका प्रयत्न करेंगे। पिछले साल सब्सिडी पर केंद्र सरकार ने 3 लाख से ज्यादा पिछले वर्षों में मशीनें दी हुई है जो जलाने के बजाय पराली प्रबंधन का काम करती है। उन मशीनों का प्रभावी प्रयोग किया जाएगा, किया भी जा रहा है। कई बार छोटे किसानों तक इस मशीनों की पहुंच नहीं हो पाती, क्योंकि छोटा खेत होता है तो कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीनें लेकर वो कैसे पराली का प्रबंधन कर पाए, जैसे पराली को खेत में ही दबा दे तो वो खाद बन जाती है, समस्या के बजाय वरदान बन जाती है। तो उस पर भी कैसे छोटे किसान की पहुंच बढ़े, इस पर बातचीत हुई। बायो डीकम्पोजर का उपयोग अधिकतम करें, उसको मिशन मोड में हम बढ़ावा देने का प्रयत्न करेंगे सब मिलकर। आसपास के उद्योगों की मांग के आधार पर मैपिंग के माध्यम से पराली के एक्स सीटू उपयोग को बढ़ावा देने की बात हुई है। पराली का जो पोल्यूशन है उसे और कम किया जाए। आज की बैठक में माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए थे। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें आज की बैठक के समक्ष रखी हैं। पहला तो ये कि जो पराली जलने की घटनाएं हैं, आगामी दिनों में और उसे मॉनिटर करने की जरूरत है। दूसरा, जो पटाखे दिवाली पे जलते हैं,
धूमधाम से लोग दिवाली मनाएं, लेकिन चूंकि अब पटाखे लोगों के जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं, तो पटाखों का जो पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साथ एनसीआर की सभी सरकारें इस पर सक्रिय पहल करें। और तीसरा, इमरजेंसी सिचुएशन अगर बनती है तो आर्टिफिशियल रेन के लिए तैयारी किया जाए। ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु दिल्ली की तरफ से हमने सभी मंत्रियों के समक्ष रखी है और हमें भरोसा है कि सभी लोग इस पर सक्रियता के साथ सकारात्मक तरीके से काम करेंगे।